जय जय भारत। दो टाइप की वैकेंसीज पूर्व सैनिकों की आई हुई है, यानी कि दो नोटिफिकेशन है। सबसे पहला जो अपडेट है ये है हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर, पिन यहाँ पे 90880, 16 मार्च 2023 को जारी किया गया है। ऑल आरटी ब्रिगेड्स एंड आरटी रेजिमेंट को इसकी कॉपी भेज दी गई। ये जो भर्ती है रियलमेंट इनटू डीएससी एनसीओआर 3 अप्रैल 2023 को, और यहाँ पे बताया गया है कि इट इज इंटीमेटेड दैट डीएससी रिनूलमेंट ऑफ एक्स एनसीओआर इंक्लूडिंग क्लर्क फॉर रेजिमेंट ऑफ आरटी और आर्मी एविएशन कोर्पस इज शेड्यूल्ड आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप में 3 अप्रैल 2023 को, यानी 3 अप्रैल 2023 को नासिक रोड कैंप जो कि आरटी सेंटर है वहाँ पर भर्ती है डीएससी की, जिसमें एनसीओआर और कलर के लिए भर्ती है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो इससे संबंधित जानकारी साझा की गई है जो कि 3 अप्रैल 2023 को है। उससे पहले आप लोगों को वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, तो ये जानकारी इसमें दी गई है। दूसरी जो भर्ती है इससे संबंधित जो वीडियो हमने पहले बनाया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत, ये भर्ती है पूर्व सैनिकों की। सुरक्षा विभाग में पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, परमानेंट पोस्ट है यानी कि सरकारी नौकरी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है, और यहीं पर वैकेंसी संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे जो पोस्ट है उसका नाम यहाँ पे रखा गया है हवलदार सिक्योरिटी, 15 साल जिन्होंने सर्विस की है और SSLC पास है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 43 मैक्सिमम जनरल के लिए है, 46 OBC के लिए है और SC के लिए 48। 3 पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए है, 2 पोस्ट OBC और 2 पोस्ट SC के लिए, 7 पोस्ट टोटल हैं। जिला सैनिक बोर्ड में आपका नामांकन जरूर होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जाएगी, 20,500, ये तो आपका बेसिक है। उसके बाद 3% बढ़ोतरी के साथ 79,000 और जो भी अन्य महंगाई भत्ता मकान के किराया वार्षिक मेल पुत्र में 30% की बढ़ोतरी के साथ चिकित्सा संबंधी समूह बीमा PF पेंशन ग्रेजुटी सब यहाँ पर दी जाएगी। इन वैकेंसीज के लिए जो भी हाई स्कूल पास हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका करेक्टर कम से कम वेरी गुड है, सेफन है, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, नोटिफिकेशन आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसीज होगी और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं उसको आप एक बार पढ़ लें, जिसमें कि पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, हाई स्कूल की अकाउंट का पत्र, उसके बाद डिस्चार्ज बुक की कॉपी, आपका जो भी आपका ST OBC जो भी है आप, और संबंधित जो भी भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन में ऑन सर्विस में जो है उनको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेजना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं उनको खुद जो है साइन करके भेजना होगा, सत्यापित करके भेजना होगा। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का पंजीकरण संख्या का दस्तावेज जो आपको भेजना होगा, और जो आपका जो सेफन जहाँ पे लिखा है उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, डिस्चार्ज बुक है, उसमें डिस्चार्ज बुक में, तो वो आपको यहाँ पर भेजनी होगी। आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि किस एड्रेस पर आपको ये सभी अप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट भेजने हैं। वेस्टर्न पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस भारत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद, पिन 201010 UPO, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। लिफाफे के ऊपर जरूर आपको लिखना होगा सुरक्षा हवलदार के पद के लिए आवेदन, और इनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई है। हिंदी में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 15 अप्रैल 2023 तक आपका
अप्लीकेशन है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अभी मैं इसका आपको अप्लीकेशन फॉर्म दिखाने वाला हूँ। तो इसका अप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, हवलदार, सिक्योरिटी, पर्सनल पार्टिकुलर्स, जो भी आप कैपिटल लेटर में आपको बनना है, जो भी आप करेंगे, यहाँ पे फोटो लगानी होगी, यहाँ पे नाम लिखना होगा, फादर्स नेम पर बना एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब ज़रूर आप भर दें। कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एसटी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डू यू बिलोंग टू कम्युनिटी, जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड है, मेडिकल कैटेगरी, टाइम ऑफ डिस्चार्ज के, आर्मी या कोर्स नेवी किससे हैं, सर्विस नंबर, रैंक, रजिस्ट्रेशन नंबर, सैनिक बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जरूर यहाँ पे भरें, करेक्टर ऑफ डिस्चार्ज में आपका क्या है वो भी यहाँ पर भर दें। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है आपका, डिटेल्स ऑफ कोर्स कैडर जो आपने किए हैं, प्रजेंट एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट पार्टिकुलर यदि आप कहीं हैं, और क्या आपकी सैलरी डिटेल्स है, लैंग्वेज आप कौन कौन से जानते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा पढ़ना लिखना, एडिशनल आपके पास कोई क्वालिटी है, नेम, बीएल से रिलेटेड तो यहाँ पे सिग्नेचर करके, यहाँ पे डेट ऑफ प्लेस, और ये आपको इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार पढ़ लें, जिसमें कि कलर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ग्राफ्स, एस एल सी मार्कशीट, डिस्चार्ज हो, एस सी एस सी से रिलेटेड, तो इसको एक बार पढ़ लें आपको, ये सभी आप सेल्फ रजिस्टर करके भेज दें। तो इतनी जानकारी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।